हेलो व्हाट्स अप गाइस, आ गए हम विद द न्यू ब्लॉग। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बाइक अपनी प्रॉब्लम दे रही थी, जो गियर डालने पर बंद हो जा रही थी, जैसे कि मैंने पहली वाली ब्लॉग में बताया, इससे पहले वाली, कि हम इस बारे में बात करेंगे कि बाइक क्या इशू कर रही थी कि जब हम गियर डाल रहे थे तो सीधे बंद हो जा रही थी, फिर स्टार्ट करने पर फिर गियर डालने पर बंद हो रही थी। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ से थी, कैसे आ रही थी, मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने जब बहुत बहुत ध्यान दिया उसके ऊपर, फिर मुझे पता चला क्या इशू था। एक छोटा सा इशू था, लेकिन मेजर मिस्टेक लग रही थी मुझे। सो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, सीखने बहुत कुछ मिलेगा। सो हम पहले देख लेते हैं वो वीडियो। तो बहुत चेक करने पर मुझे ये इशू मिला। ये इशू था स्विच का, ये जो देख पा रहे हैं आप, एक जगह से वायर टूट चुकी है पूरी। सो गियर डालने पर वाइब्रेशंस आ रहे थे एक्सलेटर देने पर, तो बाइक बंद हो जा रही थी सीधे। फिर स्टार्ट करने पर, फिर गियर डालने पर, जैसे एक्सलेटर दे रहा था मैं, फिर बंद हो रही थी बाइक, क्योंकि वायर हल रहा था। कि हमने स्विच निकाल लिया है, तो इसे हम खोल देंगे। ये दो नट दिख रहे हैं आप यहाँ से, फिर उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करना किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत शॉकिंग चीज़ मिली मुझे इसे खोलने के बाद, कितना डस्ट बैठ गया था अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। सो पहले हम इसे खोल लेते हैं फास्ट फास्ट। फाइनली हमने इसे खोल लिया है, अब यहाँ से साफ़ कर लेंगे थोड़ा अच्छे से। फिर मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ से इशू कर रही थी बाइक, जो आप लोगों को खोल के अपने बाइक में साफ़ करना चाहिए, मैं आगे बताऊँगा आपको। देखिए, ये जो है, एक तो रस्ट बैठ गया है पूरा, जो ग्रीन देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 डॉट्स दिख भी नहीं रहे हैं, इतना डस्ट बैठ गया है। तो जो इशू नहीं होता कि थोड़ा स्विच घुमाने पर लाइट आती है, थोड़ा घुमाने पर नहीं आती है, जब स्विच स्लिप होने लगता है तो प्रॉब्लम होती है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कितना डस्ट बैठ चुका है इसमें, कितना ज़्यादा, 1 इंच बोल सकते हैं आप इसे, 1 इंच के बराबर या 1/2 इंच के बराबर था ये। सो अब आप जैसे देख पा रहे हैं, सारा रस्ट बैठ चुका है। अब रस्ट को हम साफ़ करेंगे सैंड पेपर से, जो अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर देगा। पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं, हर जगह से क्लीन कर लेना इसे खोल के, ताकि वो जो प्रॉब्लम है, जो स्विच स्लिप होने पर, थोड़ा की घुमाने पर थोड़ी सी लाइट आती है फिर बंद होती है, वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा इससे। एंड ये जो 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे हम अभी साफ़ करेंगे सैंड पेपर से। पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लेना, मिट्टी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अब हम साफ़ करते हैं इसे सैंड पेपर की जगह, आप ये वाला पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है सैंड पेपर से, ठीक है। तो अभी हम इसे अच्छे से रब कर लेते हैं, फिर आगे के प्रोसेस में आपको बताऊंगा। सो फाइनली क्लीन हो गया है, शाइन करने लगा है। अब हम वायर को थोड़ा सा शॉर्ट वेल्ड करा लेंगे, फिर फिक्स करेंगे अपनी बाइक में। सो अभी ये शॉर्ट वेल्ड हो रहा है, तो अभी हम देखते हैं, ये इसका फाइनल लुक है, हो अच्छे से हो चुका है। अब हम फिट करेंगे इसे अपनी बाइक में। मैंने सारी फिटिंग जो पहले होती है, जो स्विच वाली, कर ली है। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग पहले थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना, उसमें है किस तरीके से खोलना है, उसी तरीके से फिट होगा, ठीक है। तो अब हम इसका प्लग लगा देते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों को पहली बात तो पता तो लग ही जाएगी, दूसरी बात ये भी है कि आप स्विच खोल के ख़ुद अच्छे से साफ़ करके फिर से लगा सकते हैं, ताकि की स्लिप वाली प्रॉब्लम ना आए। अब हम इसे फिट कर लेते हैं। ये जो नट देख रहे हैं, ये गोल्डन में आता है, मैंने इसे मैट कर दिया है, अभी जस्ट स्प्रे किया है इस पर कलर, एंड ये मैट हो गया, अच्छा लग रहा है लुक में। अब हम कर देते हैं फिट, एंड हम की लगा कर चेक करेंगे कि ये चल पाता है या नहीं। एक बात तो इसे 100% क्लियर हो जाएगी कि जो स्विच है कभी स्लिप नहीं होगा, ये सीधे किसी तरीके भी कितना भी घुमा दो तो ऑन ही रहेगा। क्या होता है प्रॉब्लम, थोड़ा सा कभी हम की को, चाबी को जब हम घुमाते हैं तो थोड़ा कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती है। पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें, मैंने पकड़ से क्या पाना
कभी किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, बड़ा पाना लगता है इसे। सो मैंने इजी तरीके से दिखाया ताकि आप समझ जाएंगे पकड़ से भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमने लगाते हैं की एंड चेक करते हैं ये चल पाता है या नहीं। देखिए चल रहा है, अब 100% वर्क कर रहा है। सो ए प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे कि आप लोगों ने देखा छोटी सी प्रॉब्लम थी लेकिन इतना इशू कर रही थी। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपके बाइक में प्रॉब्लम ना भी हो तो आप स्विच खोलना एंड स्विच को क्लीन कर लेना, जैसे कि मैंने दिखाया। हाँ थोड़ा हार्ड लगता है हमें, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दूसरी बात, कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो इंस्टाग्राम की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, पूछ लेना जो पूछना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बी सेफ एंड राइड सेफ।